हेलो फ्रेंड्स, वी ब्लॉक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोहा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की, जो एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसके थ्रू हम लाइब्रेरी को मैनेज करते हैं, यानी लाइब्रेरी के जितने भी वर्क्स होते हैं उनको हम इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करते हैं। काफी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है इंटरनेशनली, यहाँ पे काफी लाइब्रेरी में इसका यूज किया जाता है। तो इसके थ्रू हम कैसे बुक की कैटलॉगिंग करते हैं, कैसे हम पैट्रॉन्स को ऐड कर सकते हैं, कैसे नए यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे चेक इन और चेकआउट कर रिकॉर्ड्स रख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ हम देखेंगे। कैसे हम यहाँ पे फंड बना सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे बजटिंग कर सकते हैं इसकी, कि लाइब्रेरी को कितना बजट प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे, उसको कैसे हम वेंडर को सर्च करके उसको हम वेंडर के थ्रू कैसे हम बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, यानी हम वेंडर को कैसे ऑर्डर दे सकते हैं कि कौन से हमको बुक चाहिए। यहाँ पे सारा जो लाइब्रेरी का काम होता है वो इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे कि हम कैसे यहाँ पे किसी स्टाफ को लॉगिन प्रोवाइड कर सकते हैं या किसी यूजर को हम कैसे बना सकते हैं। तो दोनों का तरीका एक ही है। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि कैसे हम किसी स्टाफ को एक लॉगिन प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि कोई भी स्टाफ या कोई भी, जैसे आप हो गए, तो कोई भी आप नई लाइब्रेरी में जब गए काम करने के लिए एज ए स्टाफ, तो आपको कोहा का एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए उनको आपकी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। तो उस प्रोफाइल को बनाने के बाद आप कोहा के फंक्शन हैं, जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी फीचर्स हैं, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं अपने यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू, यानी आपकी एक प्रोफाइल बना के आपको एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप स्टाफ हैं किसी लाइब्रेरी के, तो आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी अदर स्टाफ के लिए, जो नया स्टाफ आया है उसके लिए हम कैसे बना सकते हैं। वो स्टाफ आपका लाइब्रेरी स्टाफ भी हो सकता है, वो आपका प्रोफेसर जो एकेडमिक स्टाफ है वो भी हो सकता है, वो आपका यूजर भी हो सकता है। तो सबके लिए आप यहाँ पे प्रोफाइल बना सकते हैं, यानी उसको आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप उसको ऐड कर सकते हैं। उसको कैसे ऐड करेंगे, मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊंगा स्टाफ के लिए, आपको उससे कंप्लीटली समझ आ जाएगा कि आप कैसे स्टाफ को ऐड कर सकते हैं, कैसे आप अदर स्टाफ यानी एकेडमिक स्टाफ या यूजर को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि तरीका सेम होता है, बस आपको सिर्फ कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी अलग अलग। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे इसके देखिए मॉड्यूल यहाँ पे दे रखे हैं, सर्कुलेशन दे रखा है, सीरियल दे रखा है, एक्विजिशन दे रखा है, नीचे आपको सारे कैटलॉगिंग और कोहा एडमिनिस्ट्रेशन सारे सॉफ्टवेयर दे रखे हैं, सारे आपको मॉड्यूल दे रखे हैं। तो आप सबसे पहले जाएंगे कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में, यहाँ पे आपको देखना होगा कि आप लाइब्रेरी भी आप डिफाइन कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, कौन सी लाइब्रेरी आप एक बार में, अगर आपकी कोई पर्सनल लाइब्रेरी है तो आप उसको भी कोहा के थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे कितनी लाइब्रेरी हो सकती है, आप सारी लाइब्रेरी यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको कि आप किस ऑप्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं। तो आप देखिए बेसिक पैरामीटर दिए हैं यहाँ पे, लाइब्रेरीज एंड ग्रुप्स, यानी आप यहाँ पे लाइब्रेरी और ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं, आप एक से ज्यादा लाइब्रेरी को एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू यहीं से मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पैट्रॉन की कैटेगरी यहाँ पे दे रखी है, पैट्रॉन एंड सर्कुलेशन में पैट्रॉन कैटेगरी यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे आप इस कैटेगरी में आप ऐड कर सकते हैं कि कोई एकेडमिक स्टाफ है या आपका लाइब्रेरी स्टाफ है या आपका यूजर है। तो यहाँ पे कैटेगरी मैंने बना दी है, पर मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कैटेगरी कैसे डिफाइन की जाती है। उसके नीचे आपको सर्कुलेशन एंड फाइन रूल्स भी दिए होंगे कि आप कितना फाइन्स लगाना चाहते हैं, उसके लिए क्या रूल्स हैं, सर्कुलेशन के लिए क्या रूल्स हैं, लाइब्रेरी ट्रांसफर लिमिट क्या है, पैट्रॉन एट्रीब्यूट टाइप क्या है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ बेसिक चीजें बताऊंगा जिसके थ्रू आप, ये हो जाएगा कि आपके लिए कोहा जो सॉफ्टवेयर है वो एकदम नया नया नहीं होगा। जैसे आप कभी कोहा सॉफ्टवेयर पे आप कभी देखा आपने, तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपके लिए नया है, आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते। आप एटलीस्ट कुछ काम उस पर कर सकते हैं, आपको इतना भरोसा अपने ऊपर हो जाएगा, आप ये वीडियो को देखते रहिएगा कि आप उसमें कितना काम कर सकते हैं। तो आपको बेसिक काम मैं यहाँ पे बताऊंगा क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पैट्रॉन कैटेगरी मैंने बताया था, तो यहाँ पे पैट्रॉन कैटेगरी यहाँ पे तीन यहाँ पे डिफाइन कर रखी है मैंने। आपको वैसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे तो आपको पहले से ही वहाँ पे डिफाइन मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कोड दे रखा है कि किस कैटेगरी के लिए क्या कोड है।
देखिए एसी दिया है एकेडमी स्टाफ के लिए, एसटी दिया है स्टाफ के लिए यानी स्टाफ मतलब लाइब्रेरी स्टाफ, यूज दिया है यूजर के लिए। तो यहाँ पे सबको अलग अलग टाइप डिसाइड कर दिए गए हैं कि एडल्ट है, ये स्टाफ है, ये प्रोफेसर या प्रोफेशनल है। उनका इनरोलमेंट पीरियड यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे देखिए जो लोअर लिमिट है एज की वो है, और यहाँ पे अपर एज लिमिट दे रखी है। अगर कोई इनरोलमेंट फीस है, जैसे यूजर से हम इनरोलमेंट फीस लेते हैं, तो यहाँ पे इनरोलमेंट फीस भी यहाँ पे उसको हम मेंशन कर देंगे। आगे देखिए सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि उसको ईमेल करना है या किस चीज के लिए, आइटम चेक इन के लिए ईमेल करना है या चेकआउट के लिए ईमेल करना है, तो ईमेल भी उसको भेज सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसको आप एडिट भी कर सकते हैं जाकर, यहाँ पे आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो आपको एक बार मैं बता देता हूँ कैसे ऐड होता है, इसके बारे में एक बार बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपको अगर कभी लाइब्रेरी में नई कैटेगरी ऐड करनी चाहे पड़ी या आप खुद की लाइब्रेरी बनाना चाह रहे हैं तो आप कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू कैटेगरी लिखा है, इस पर हम क्लिक करेंगे, इसके थ्रू हम न्यू कैटेगरी को डिफाइन करेंगे। न्यू कैटेगरी डिफाइन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसमें पैटर्न ऐड करेंगे। आपने एक टर्म सुना होगा सुपर लाइब्रेरियन, तो उसको भी मैं बताऊंगा कि उसका क्या रोल है, उसको यहाँ पे कहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। तो आप देखिए न्यू कैटेगरी में यहाँ पे कैटेगरी कोड, जैसे मैंने बताया था एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए एसी था, कैटेगरी कोड बना सकते हैं। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि किसके लिए बना है, एकेडमिक के लिए बना है, स्टाफ के लिए बना है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे इनरोलमेंट पीरियड यहाँ पे आप बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था आपको कि इनरोलमेंट पीरियड कैसे होगा। उसके बाद यहाँ पे एज कितनी है, यानी यहाँ पे लोअर एज लिमिट बोल रहा है, यहाँ पे अपर एज लिमिट कह रहा है। यहाँ पे देखिए इनरोलमेंट फीस भी यहाँ पे लिखी है कि इनरोलमेंट फीस कितनी होगी, यहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं। आगे चलेंगे तो यहाँ पे बता रहा है सिलेक्ट कैटेगरी कर लीजिए। तो कैटेगरी सिलेक्ट करके क्या होगा, यहाँ पे एडल्ट है, चाइल्ड है, स्टाफ है, ऑर्गेनाइजेशन के किस लिए बना रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन को आप ऐड करना चाह रहे हैं, कोई प्रोफेशनल को ऐड करना चाह रहे हैं या कोई स्टैटिस्टिकल को ऐड करना चाह रहे हैं। तो मैं आपके यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ, वहाँ पे सबके लिए आप बना सकते हैं एक कैटेगरी। उस कैटेगरी के अंदर ही आपको पैटर्न ऐड करना पड़ेगा। अगर वो यूजर है तो आपको यूजर कैटेगरी में ऐड करना पड़ेगा, अगर वो स्टाफ है लाइब्रेरी का तो उसे लाइब्रेरी स्टाफ के अंदर में आपको ऐड करना पड़ेगा, अगर वो प्रोफेशनल स्टाफ है तो आपको प्रोफेशनल स्टाफ के अंडर में उसको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लाइब्रेरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि कौन सी लाइब्रेरी है। जैसे मैंने बताया था आप लाइब्रेरी डिफाइन कर सकते हैं, तो आप एक से ज्यादा लाइब्रेरी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे सेव कर देंगे तो वो आपकी सेव होने के बाद पैट्रॉन कैटेगरी में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पहले से बना रखी है इसलिए मैं आपको बना के नहीं दिखा रहा हूं, पर मैंने बता दिया है कि इसके थ्रू ही बनती है, तो इससे आप समझ सकते हैं। हालांकि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, पर आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए आपको मैंने ये बता दिया है कि आप ऐसे पैटर्न कैटेगरी को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन कैटेगरी बनी है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम, कोई स्टाफ नया आता है अगर किसी लाइब्रेरी में, तो हम कैसे उसके लिए एक प्रोफाइल बनाते हैं, या उसको हम कैसे नए स्टाफ को कैसे हम एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम तो कहाँ जाएंगे, ये जो पैट्रॉन लिखा है आप कर्सर देख रहे होंगे माउस का, ये पैट्रॉन्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके सामने नया इंटरफेस खुल के आया है, न्यू पैट्रॉन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे पैट्रॉन न्यू पैट्रॉन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने देखिए ऑप्शन आ रहे हैं कि एकेडमिक स्टाफ के लिए ऐड करना है, कि लाइब्रेरी स्टाफ जो है स्टाफ के लिए ऐड करना है या यूजर के लिए ऐड करना है। तो हम लाइब्रेरी स्टाफ के लिए ऐड कर रहे हैं कि वो एक्सेस पा सके, ये जो हम काम करते हैं पूरा कोहा में, इसके लिए वो एक्सेस पा सके। तो इसके लिए हम उसको ऐड करेंगे, कोई नया स्टाफ या कोई नया रिक्रूट आ रहा है रिक्रूटमेंट, तो उसके लिए हम ऐड करेंगे, स्टाफ पर क्लिक करेंगे। तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे देखिए एक नया इंटरफेस आ गया आपके सामने, यहाँ पे आपको पैट्रॉन की कैटेगरी डिफाइन करनी पड़ेगी। यहाँ पे स्टार लिख देंगे, उसके यहाँ पे सरनेम आ जाएगा, यहाँ पे सरनेम लिख देंगे जैसे किसी स्टाफ का नाम है।
उसका फर्स्ट नेम लिख देंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उसकी यहाँ पे मेंशन करेंगे, यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दी। उसके बाद हम कोई इनिशियल है उसका तो इनिशियल ऐड कर देंगे, कोई अदर नेम है तो अदर नेम उसका ऐड कर देंगे, यहाँ से उसका हम जेंडर ऐड कर देंगे क्या जेंडर है उसका। ये हो गई उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पे आएंगे उसका मेन एड्रेस क्या है, मेन एड्रेस यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए इसकी एड्रेस ऐड कर दिया गया है। एड्रेस ऐड करने के बाद उसका कॉन्टैक्ट जो है उसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे प्राइमरी फोन नंबर ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने फोन नंबर ऐड कर दिया है, अगर कोई सेकेंडरी फोन नंबर है तो उसको ऐड कर सकते हैं, कोई अदर फोन नंबर उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेल आईडी के लिए ऑप्शन आ रहा है तो मेल आईडी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मेल आईडी ऐड करने के बाद कोई सेकेंडरी मेल आईडी हो या फैक्स नंबर हो उसको ऐड कर देंगे, पर मैं सिर्फ इतना ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ पे कोई अल्टरनेट एड्रेस है तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ तो मैं ऐड नहीं करूंगा। देन हम आप आएंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट पे। तो यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट में जो कार्ड इशू होते हैं किसी नए लाइब्रेरी स्टाफ को या किसी यूजर के लिए अगर हम कर रहे होते हैं तो यूजर का कार्ड नंबर यहाँ पे डालेंगे, किसी लाइब्रेरी स्टाफ के लिए कर रहे हैं तो लाइब्रेरी स्टाफ का कार्ड नंबर डालेंगे। यहाँ पर जैसे हमने कार्ड नंबर डाल दिया है, इसका कार्ड नंबर मैंने डाल दिया है। कौन सी लाइब्रेरी के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो जैसे एक लाइब्रेरी हमने बनाई है उसी के लिए हम यूज कर रहे हैं। कैटेगरी क्या होगी उसकी, स्टाफ, यहाँ पे हम स्टाफ में उसको ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हम लाइब्रेरी सेटअप करेंगे कि उसकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, तो रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे पड़ी है देखिए पहले से, यहाँ पे एक्सपायरी डेट उसकी क्या है तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट डाल देंगे। कि कब तक वो स्टाफ उस लाइब्रेरी में काम करेगा, तो आपने यहाँ पे लाइब्रेरी की उसकी एक एक्सपायरी डेट डाल दी है। आप इसको बाद में रिन्यू भी कर सकते हैं, एक्सपायरी होने के बाद अगर रिन्यू करना चाहें तो आप रिन्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पे उसका ओपेक नोट्स भी डाल सकते हैं, सर्कुलेशन नोट भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे अब आ जाएंगे हम उसको यूजर नेम और पासवर्ड उसका हम बनाएंगे। तो यूजर नेम बना देते हैं, यहाँ पे पासवर्ड हमने बना दिया, कंफर्म पासवर्ड कर देंगे। इसके बाद जो नीचे पैटर्न मैसेजिंग प्रेफरेंस है, अगर उसको मैसेज के लिए कोई टिक करना है तो यहाँ पर टिक कर सकते हैं, ईमेल करना है कि डाइजेस्ट ऑनली करना है कि डू नॉट नोटिफाई करना है, यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे आपने सारी डिटेल भर दी, डिटेल भरने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है ऊपर सेव का, इस पे हम सेव पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमने प्रोफाइल बनाई वो प्रोफाइल यहाँ पे बन गई है। यहाँ पे देखिए आप फोटो भी ऐड कर सकते हैं, फोटो कहाँ से ऐड करेंगे, फोटो ये देखिए नीचे लिख के आ रहा है अपलोड पैट्रॉन इमेज, यहाँ से आप ब्राउज करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके पता लिख के आ रहा है, एड्रेस क्या है, उसकी ईमेल आईडी, फोन नंबर, सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। यहाँ पे देखिए उसको आप एडिट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। और लाइब्रेरी यूज के लिए देखिए उसका कार्ड नंबर यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखिए बोरोवर नंबर दे रखा है उसका, और यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है कि वो स्टाफ है लाइब्रेरी का, रजिस्ट्रेशन डेट दे रखी है, एक्सपायरी डेट दे रखी है, और कौन सी लाइब्रेरी है उसका यूजर नेम और पासवर्ड भी दे रखा है। और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे चेकआउट डिटेल्स, फाइन्स,
सर्कुलेशन हिस्ट्री, तो ये आपके लिए तब के लिए है जैसे आप कोई यूजर ऐड करते हैं, तो सेम ऐसे ही प्रोफाइल यूजर की भी बन के आएगी। तो आप इसको अपने आप एक बार करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको यूजर के लिए ऐड करना है तो आप यूजर ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कैसे। आपको पहले कैटेगरी बनानी पड़ेगी, कैटेगरी बनाने के बाद आप पैट्रॉन ऐड करेंगे। किस कैटेगरी में करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यूजर में ऐड करना है तो आपके सामने ये से यूजर की प्रोफाइल ऐसे ही बन के आएगी। तो आप यूजर का कोई फाइन देना चाहते हैं कि कितना फाइन है उसके ऊपर, कब चेकआउट किया है, उसकी सर्कुलेशन हिस्ट्री क्या है, तो आपको यहाँ पे सब कुछ मेंशन रहेगा। तो यहाँ पे हमने बनाया है एक स्टाफ के लिए, तो ये एक लाइब्रेरी का स्टाफ है, जैसे अमित वर्मा है स्टाफ है ये, इनका ये कार्ड नंबर दे रखा है। तो अब हमें इनको एक्सेस प्रोवाइड करना है कोहा का, जो कोहा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है इसका एक्सेस प्रोवाइड करना है, ताकि वो जिस सेक्शन में भी काम कर रहे हो वो कोहा पे अपने लॉगिन के थ्रू एक्सेस पा सके। तो यहाँ पे हम मोर में जाएंगे, मोर में हम क्लिक करेंगे सेट परमिशन। यहाँ पे देखिए रिन्यू पैटर्न का भी ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने जो एक्सपायरी डेट यहाँ पे मेंशन कर रखी है, इस एक्सपायरी डेट के बाद अगर रिन्यू करना चाहें तो आप यहाँ से रिन्यू भी कर सकते हैं पैटर्न को, डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेट परमिशन पे क्लिक करेंगे, सेट परमिशन पे करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने इतने ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा है सेट परमिशन फॉर वर्मा अमित, यहाँ पे रेंडरिंग करके यहाँ पे लिखा है पहले सरनेम फिर फोर नेम, तो यहाँ पे दे रखा है कि कौन से आप किस सेक्शन का या किस काम के लिए सिर्फ उसको एक्सेस प्रोवाइड करना चाहते हैं। कैटलॉग के लिए करना चाहते हैं, सर्कुलेशन सेक्शन के लिए करना चाहते हैं, या पैरामीटर्स के लिए करना चाहते हैं, बरोवर के लिए करना चाहते हैं, या परमिशन के लिए करना चाहते हैं, तो आप परमिशन आप दे सकते हैं यहाँ से। तो मगर ये लाइब्रेरी स्टाफ है तो आप लाइब्रेरी स्टाफ में उसको परमिशन देंगे सुपर लाइब्रेरियन की। तो यहाँ पे देखिए टर्म आपने सुना ही होगा सुपर लाइब्रेरियन, तो सुपर लाइब्रेरियन का मतलब क्या होता है, एक्सेस टू ऑल लाइब्रेरियन फंक्शन। तो जितने भी लाइब्रेरी के फंक्शन है कोहा के थ्रू, जितना भी हम मैनेज करते हैं लाइब्रेरी को, उस सारे फंक्शन को एक्सेस कर सकता है वो स्टाफ। तो ये स्टाफ के लिए बनाया है तो हम उसको सुपर लाइब्रेरियन बना सकते हैं। अगर हम यूजर के लिए बनाएंगे तो हम उसको सुपर लाइब्रेरियन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो यूजर सिर्फ वही काम कर सकता है, वही चीजें एक्सेस कर सकता है जिसके लिए हम उसको परमिशन देंगे। हम सुपर लाइब्रेरियन इसलिए बनाते हैं स्टाफ को ताकि वो सारे फंक्शन को एक्सेस कर सके, जबकि यूजर के लिए क्या होता है, यूजर के लिए ओनली हम ओपेक की परमिशन देते हैं कि सिर्फ वो ओपेक पे ही काम कर सकता है। यहाँ पे स्टाफ क्लाइंट के लिए हम स्टाफ को परमिशन देंगे। तो यहाँ पे हमने सुपर लाइब्रेरियन बना दिया है इनको, तो ये अब कोहा के सारे जो फंक्शन है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको सेव कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको सुपर लाइब्रेरियन बना दिया है, आपको सारी परमिशन इसको दे दी गई है। अब ये यहाँ से सब कुछ यहाँ से मैनेज कर सकता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमने इसको सारी परमिशन दे रही है तो ये स्टाफ अब लॉगिन कैसे करता है। तो यहाँ से हम इसको लॉग आउट कर देंगे, फिर हम दिखाएंगे कि ये अपने यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू कैसे कोहा में लॉगिन कर सकता है। यहाँ पे देखिए एक इंटरफेस आ रहा होगा, जब आप किसी लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको भी ऐसे ही यूजर नेम और पासवर्ड बना के दिया जाएगा। तो मैंने आपको ये तरीका बताया कि कैसे आप किसी स्टाफ के लिए, किसी यूजर के लिए आप पासवर्ड बना सकते हैं, किसी लिए यूजर आईडी उसकी बना सकते हैं, यानी उसकी प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको भी ऐसे ही किसी लाइब्रेरी में आप जब नया काम करने के लिए जाएंगे आपको भी ऐसे ही प्रोवाइड किया जाएगा लॉगिन आईडी। तो उस लॉगिन आईडी के थ्रू आप अपने सिस्टम पे एक्सेस कर सकेंगे, आप सारे वर्क अपने सिस्टम के थ्रू कर सकेंगे। तो आप देखते हैं कि कैसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए हम हमने यूजर नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद हम यहाँ लाइब्रेरी सिलेक्ट करेंगे, किस लाइब्रेरी हमने बनाया था, इसमें बनाया था बी ब्लॉक एजुकेशन में, यहाँ से लॉगिन करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। यहाँ पे देखिए ऊपर यूजर का नेम आ रहा है, जो यहाँ पे स्टाफ है उसका नेम आ रहा है, और यहाँ पे उसको लाइब्रेरी दे रखी है कि इस लाइब्रेरी में इसने एक्सेस किया है। तो यहाँ पे हमने सारी परमिशन दे रही थी उसे, देखिए
हैं यहाँ पे देखिए, सारे वर्क वो स्टाफ अब कर सकता है। तो आपने यहाँ पे सीखा कि कैसे पैट्रॉन को ऐड करते हैं, कैसे हम किसी लाइब्रेरी के लिए कैटेगरी बनाते हैं कि जो पैट्रॉन कैटेगरी है कैसे हम डिफाइन करेंगे उनको, उसको आपने देख लिया है। तो इसको आप अपने सिस्टम पे भी सीख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, डेमो का लिंक है वो, आप उसके थ्रू जाके उस साइट पे जाके आपको पासवर्ड और यूजर नेम वही मिल जाएगा। उसी यूजर नेम और पासवर्ड से आप एक्सेस करके आप सारे फंक्शन को स्मूथली परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप वहां भी जाके, जब मैं जो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उस लिंक के थ्रू आप जाके आप वहां पे भी ऐसे ही कैटेगरी बनाइएगा पैट्रॉन की। पैट्रॉन कैटेगरी में जाकर आपको मैंने बताया था कैसे जाना है, आप देख लीजिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाके वहां पे पैट्रॉन कैटेगरी में जाके आप कैटेगरी डिफाइन कर लीजिएगा पहले। उसके बाद आप यहाँ पे यूजर को ऐड करके पैट्रॉन के थ्रू यूजर ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद आप उसको लॉगिन करके देखिएगा कैसे किया जाता है। जो भी प्रोसेस मैंने बताई है उस प्रोसेस को फॉलो करके आप ये सारे वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे लाइब्रेरी के लिए जो फंड होता है, बजट होता है, उसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं या कैसे ऐड करते हैं। कि आप बजट को आप समझ रहे होंगे कि किसी लाइब्रेरी के लिए कितना बजट आया है, उसको हम कैसे ऐड करेंगे। और फंड का मतलब है कि आप लाइब्रेरी में जो बुक्स ऑर्डर करते हैं, या आप कोई लाइब्रेरी जो फर्नीचर्स हैं या लाइब्रेरी बिल्डिंग है उसके मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा होता है या एक्सपेंसेस होते हैं उसके, या आप कोई सीरियल खरीदना चाहते हैं, या आप जर्नल्स एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अलग अलग फंड बनाते हैं कि किस कैटेगरी को कितना प्रोवाइड करना है फंड। तो वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए जो भी मैंने बताया आपको वो आप डेमो वर्जन से जाके आप सीख सकते हैं। तो आप स्मार्टफोन में भी सीख सकते हैं, पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप स्मार्टफोन की जगह डेस्कटॉप या लैपटॉप का यूज करें, क्योंकि स्मार्टफोन में काफी स्मॉल लेटर में लिखा होगा तो फॉन्ट साइज काफी स्मॉल रहेगा, तो आप उतना इजिली या उतना स्मूथली नहीं कर पाएंगे। तो आप देख ज्यादातर कोशिश करिएगा कि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में उसको परफॉर्म कर सके। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको कभी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं या टेलीग्राम पे भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आपको कोहा में दिक्कत आती है जितना भी मैंने बताया है इसमें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बजा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।